हेलो दोस्तों, आज हम जो है निकले हुए हैं अपने गांव की तरफ और हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या, हम अकेले हैं और तुम ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि तो मैं पता होगा मैं रहता इलाहाबाद में हूँ, घर हमारा अमेठी है। तो आज जा रहा हूँ गांव में और आ गया हूँ मैं हाईवे पे। हाईवे है और ये प्रतापगढ़, प्रयागराज और प्रतापगढ़ वाला ये हाईवे है। यहाँ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर अमेठी गांव चलता हूँ। गांव पहुँच के फिर आपको चीज़ें दिखाता हूँ, गांव में हर चीज़ें कैसी हैं। गाइस, हम कल जो है गांव आ गए थे और अभी रात में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरा रहता है गांव में। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और पीछे का देखिए, अपने खेत की तरफ आए, ये सरसों ही सरसों दिख रही है। और ये हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सीरियंस। किस क्लास में पढ़ते हो? पीकेजी। पीकेजी में। अच्छा, चलो हमको अपना ट्यूबवेल दिखाओ। उधर कोई आ रहा है क्या? हाँ। कौन है वो? सुभी। सुभी है? हाँ। ये सब अच्छा नजारा, खेत का, खेत खलिहान है सब। चलिए हम आपको अपनी ट्यूबवेल दिखाते हैं। ये बगीचे हैं, ये सरसों है। ये सुभी आ गई। ये रहा हमारा ट्यूबवेल। ये रहा हमारा ट्यूबवेल। बैक कैमरा चालू करो सब। चालू कर दी। ये भी हमारा खेत है। ये भी हमारे गांव के लोग का खेत है, जो जो हमारे गांव में रहते हैं उनका खेत है। ट्यूबवेल दिखा दे, पानी टंकी उनकी दिखा दे। देखिए हमारा ट्यूबवेल है अपना, इसमें हम लोग पहले स्नान करते थे, लेकिन अब जब ठंड पड़ने लग गई तो अब कहाँ स्नान करते हैं, अब तो गरम गरम पानी से स्नान करते हैं। ये देखिए इसमें अब गंदा पानी भर उठा। हमारे खेत एक मूली देखा, मूली खेत, एक मूली का खेत और एक मूली है यहाँ पर। मूली बा खेत से शुद्ध मूली आई, मैं कोई मिलावट नहीं है। अब बढ़िया सरसों ऐसा ना देखे मूली का। या इधर देखा प्याज, प्याज वगैरह। और इधर ये है धनिया, ये है धनिया, धनिया पत्ती, ये मैं धनिया, ये चुकंदर, ये चुकंदर, ये गाजर है, ये गाजर, ये वाला गाजर, वो लहसुन है, ये रहा हमारा गाजर, ये रहा वाला लहसुन, ये है चुकंदर, 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 ये है हमारा भाई, ये इनके भाई, और वो रही हमारी ग्रैंडमदर अम्मा। देखिए हमारा प्याज बोआ, ये रही हमारी ग्रेट मदर, वो रहे हमारे अंकल, ये रहे हमारे भाई, और ये रही हमारी मूली। और ये मूली शुद्ध है, खाना है तो आइए। वो रहा कैथा का पेड़, ये रहा हमारा खेत, ये रहा नीम का पेड़। यहाँ पे मूली गाजी हुई है,
देखिए देखिए, ये रहा मूली, ये मूली को खाओ और सेहत बनाओ। ये रही मूली, इतनी मोटी मोटी मूली, इतनी मोटी मोटी मूली, इतनी मोटी मोटी मूली। यहाँ पे हरा भरा हमारा खेत, और हमारे उस साइड भी खेत ही खेत है। हम लोग किसान हैं, हम खेत में अपना अपना काम कर रहे हैं। आज मैं शहर प्रयागराज से मैं अपने गांव आया हुआ हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का सीन कुछ ऐसा है, और आपको मैं अपना गांव, अपना ट्यूबवेल, अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूं, और एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालूंगा, वो भी देखिएगा। और इस पर भी आइए और सपोर्ट करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो है, कुछ भी नहीं है भाई, 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं पार किए हैं। तो आप लोग आइए भाई और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि नया हूँ तो आप लोग का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए हम आपको दिखाना शुरू करते हैं अपना खेत खलिहान। सबसे पहले देखिए, ये हमारा गेहूं है, और गेहूं हमारे ख्याल से 2-2.5 महीने बाद ये हो जाएगा काटने लायक। ये छोटे छोटे हैं अभी, और ये देखिए वो सामने ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसी ट्रांसफार्मर से ये आई है जो है हमारे ट्यूबवेल में। ये सामने हमारा छोटा सा ट्यूबवेल है, इसी से हम लोग जो है खेतों की सिंचाई करते हैं। खेतों की सिंचाई का साधन हमारे यहाँ सिर्फ ट्यूबवेल ही है। यहाँ पर जितने भी खेत खलिहान है सब ट्यूबवेल से ही सिंचाई होती है। और ये देखिए ये पाइप है, इसी पाइप से आता है दोस्तों। चाबी हमने आज शायद लाए नहीं है, चाबी हम लिए नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते, क्योंकि लॉक है अंदर से इसमें, नहीं तो अंदर का हम आपको व्यू दिखाते। और ये देखिए ये जो है ये इसी से पानी आता है, ये 4 इंच की पाइप है, इसमें से पानी निकलता है और इसमें आता है। इसमें आने के बाद ये जो है इसके लिए, इसमें हम लोग पाइप का ज़्यादातर यूज करते हैं, और इसी से जो है ये पानी ऐसे आता है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऐसे आता है, हम लोग ज़्यादातर पाइप से सिंचाई करते हैं। तो और ये देखिए ये पेड़ हैं, पेड़ वगैरह हैं, ये आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ ऐसे देखे होंगे आपने। जो शहर के लोग हैं वो कुछ चीज़ें नहीं देखे होंगे, तो उनके गांव उनके लिए गांव वाले तो गाँव वालों को तो सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको सब कुछ पता रहता है। ये देखिए ये आम के पेड़ ही हैं, जहाँ तक आप दिख रहे हैं, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आम के पेड़ हैं। ये सबसे ज़्यादा आम के पेड़ ही हैं यहाँ पे। और चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये दूसरे का खेत है, यहाँ पे इसमें भी गेहूँ हुई है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और ये देखिए ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जानवर का चारा है, ये इसको बरसीन बोलते हैं, ये जानवर का चारा है। इसको जो है भूसा जो होता है जो गेहूँ से निकलता है, इसको हम लोग जो है इसको मशीन के द्वारा बालते हैं, कटाई करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसके बाद जो है इसको जो है भूसे के साथ मिला करके जानवर को दिया जाता है, तो जानवर इस प्यार से खाते हैं। और वहाँ देखा था ये भी गेहूँ ही है हमारा। और ये देखिए लोग इसको जो है इसमें आलू वगैरह बोई हुई है, एक दूसरे का है, इसको जो है बचाने के लिए जानवर से, इसमें बहुत सारे जानवर आते हैं तो इसको खा जाते हैं आलू वगैरह। इसमें आलू बोई हुई है, इसमें आलू है, ये सब खुदाई होगा, और इसको जो बचाने के लिए ये चीज़ों का जुगाड़ किया गया है। और अपना अपना, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमारी सरसों भी है, तो सरसों भी दिखाएंगे, मटर भी दिखाएंगे आपको। मटर हमारे ख्याल से मटर अब उजड़ गई है, थोड़ी सी बोई हुई थी तो मटर ख़त्म हो गई है लगभग। ये देखिए सरसों हैं, ये पूरा का पूरा सरसों है, ये यहाँ से वहाँ तक पूरा सरसों है। इसी से जो है सरसों का तो ऑयल निकाला जाता है। इसमें अभी देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए दाने पड़े हुए हैं, ये जो है जब निकलेंगे, इसको पिटाई होगी तो इसमें छोटे छोटे दाने निकलेंगे, इसके जा करके पिटाई होगी तो इसमें तेल निकलेगा। तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत टाइम लगता है प्रोसेस होने में, तेल तैयार करने में इसका। और ये देखिए ये टोटल आपको देख सकते हैं, और इधर पूरा ये जंगल है, इधर मेरा घर है, मैं आपको घर भी दिखाऊंगा। आगे भी हमने खेती बना के रखी है, आगे भी खेती है, और उधर हमारे चाचा का है, वो उधर सब मटेरियल जितना भी है उधर उधर जो दिख रहा है, उधर दिख रहा है नहीं, उधर भी ट्यूबवेल है तो वो हमारे चाचा की है। और वो जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, वो बड़े बड़े पेड़ जो दिख रहे हैं उसके अंदर का खेत चाचा का है हमारे। चलिए हम और दोस्तों, हमने इतनी चीज़ें दिखाई है आपको, और कमेंट करिए आपको और क्या चीज़ें देखना है, और
और चैनल पे आइए तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, क्योंकि नया चैनल है और आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ग्रो करेगा। अभी तक चैनल ग्रो नहीं किया क्योंकि 10-20 व्यूज भी आना मुश्किल है, तो आप लोग इसका जो है व्यू बढ़ाओ और लोगों को शेयर करिए। लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक करने पे तो अच्छा लगता है कि हाँ लाइक आया तो मोटिवेशन मिलती है एक। तो चलिए हम आपको जो है अगले वीडियो में और भी जानकारी देंगे, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलते हैं, बाय। घर पे कौन कौन से जानवर हैं? पहली चीज़ तो ये देखिए घर पे ये सरसों है और मैं आपको जानवर दिखाता हूँ अपने। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, काली वाली गैया है, इसका भी एक बच्चा है, ये दूध देती है। क्या हुआ? ऑडियंस से बोलो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये सोच रहे कुछ खाने को लाए हैं, लेकिन कुछ खाने को नहीं है, सब कुछ खा लिया इसने। बैठो आराम करो। और आपको दूसरी गैया दिखाते हैं हम। ये हमारी दूसरी गैया है और इनका भी एक बच्चा है। अभी उसको उन दोनों को भी दिखाते हैं। ये भी खा के बैठी हैं, हमसे गुस्सा लग रही हैं। आज सुबह सुबह इनको मूली खिलाया, मूली खाई है एक ढेर सारा, और शाम को इसलिए दूध देंगी। ये भी दूध देती है, वो भी दूध देती है, दोनों देती हैं। इनके लिए चारा रखा हुआ है, इनके लिए चारा है, यही चारा ये लोग खाते हैं यहाँ पे। इनके लिए रहने के लिए ऊपर ये ऐसे सिस्टम कुछ बनाया गया है। तो आइए आपको इनके बच्चों से मिलाते हैं। अब कौन किसका बच्चा है ये आप अंदाजा लगाइए। ये अब ये इसको छुएंगे तो ये उठ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। क्यों ऑडियंस से कुछ कहोगे? हेलो ऑडियंस से कुछ कहोगे? नहीं कहोगे? और ये दूसरा है ये इधर आओ। क्यों गुस्सा हो क्या? और इनके लिए ये देखिए, इनके लिए यहाँ पे बनाया गया है रहने के लिए, जानवरों के लिए। ये इसमें खाते हैं, इसमें ये कुछ ऐसे है, इसमें भी ऊपर चादर रखी गई है। हमारे घर पे कुछ निर्माण चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो है कि ये घर से थोड़ा सा हट के जो है हम लोग बनवा रहे हैं, इधर कंप्लीट नहीं है, इसी को कंप्लीट कराया जा रहा है। ये देखिए हमारी बाइक खड़ी है, यहाँ पे हम लेटे थे और इसमें इसी पे काम चल रहा है। ये देखिए इस पर भी इधर हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ये सामने का जो है फ्रंट, ये सामने का फ्रंट है, शायद हमारे उधर से चाचा भी आ रहे हैं। इस पर देखिए काम चल रहा है फ्रंट पे। चलिए अब आपको नेक्स्ट पे ब्लॉग में दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ की है चारा मशीन, और इससे जो है ये जो चारा आपको दिखाए थे इसी में ला करके इसे डाल करके और इससे जो है इसको जो है काटा जाता है। ये चारा मशीन है,